उत्तरी कड़ाकोट पट्टी के दर्जनों गांवों के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का भेजा जिलाधिकारी को ज्ञापन। चमोली जिले के उत्तरी कड़ाकोट पट्टी के दर्जनों गांवों ने नलगांव कफारतीर मोटर मार्ग पर डामरीकरण किए जाने के लिए तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी जिला चुनाव अधिकारी को पत्र भेजकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सोमवार को उत्तरी कड़ाकोट पट्टी के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण ग्राम प्रधान कफारतीर सुदर्शन नेगी प्रधान बेथरा दीपेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से नलगांव कफारतीर मोटर मार्ग के खस्ता हाल होने और वर्षों से डामरीकरण नहीं किए जाने से क्षुब्ध होकर जिलाधिकारी जिला चुनाव अधिकारी को रोष भरा पत्र लिखकर आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया। जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा गया कि नलगांव कफारतीर मोटर मार्ग भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी के पैतृक गांव कफारतीर को जोड़ते हुए क्षेत्र के दर्जनों गांवों को जोड़ता है और बीसी दरबान सिंह नेगी के नाम पर ही यह मोटर मार्ग स्वीकृत हुई थी। इन 8 वर्षों में अभी तक सड़क पर डामरीकरण नहीं किया गया है। सड़क सुगम यातायात के लिए अनुकूल नहीं है। लोगों का कहना था कि पूर्व से नारायण बगड़ परखाल चोपता मोटरमार्ग से उनके यहाँ की दूरी 50 से 65 किलोमीटर दूर पड़ती है। ग्रामीणों के शिष्टमंडल दल ने बताया कि उनके क्षेत्र और बीसी दरबान सिंह नेगी को लगातार उपेक्षा किए जाने से वे लोग बहुत ही आहत हैं। उनके पास लोकसभा और अन्य किसी भी चुनाव का बहिष्कार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। बता दें कि यह मोटरमार्ग पीडब्ल्यूडी के पास है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता दिनेश मोहन गुप्ता ने दूरभाष पर बताया कि उक्त मोटरमार्ग का पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है तथा इस पर नालिया स्कपर आदि का कार्य भी पूरा हो चुका है। संबंध में डामरीकरण के लिए नए सिरे से प्रपोजल तैयार कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ क्षेत्र का। विगत कई वर्षों से हम लोग नलगांव खैतौली खाल मोटरमार्ग के डामरीकरण के संबंध में विभाग से तथा जनप्रतिनिधियों से मांग करते आए हैं, किंतु उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे शुभ होकर के सारी क्षेत्र की जनता ने जो है आगामी लोकसभा से पूर्ण यदि इसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं हो पाता है तो उसके बहिष्कार का निर्णय लिया है। आपको विदित है कि रोड प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त श्री दरबान सिंह नेगी जी के नाम पर क्षेत्र के लिए जो स्वीकृत हुई थी और विशेष रूप से कफारतीर गाँव को जोड़ने के लिए इसका प्रपोजल तैयार हुआ था, जुड़ तो गई है, किंतु अभी भी ये रोड आवागमन के लिए इतनी सुंदर स्थिति में नहीं है कि वहाँ वाहन आसानी से जा सकें। यहाँ वाहनों का तो रहा दूर, किंतु पैदल जाना भी वहाँ असंभव सा लग रहा है। जगह जगह जो है पुस्ते टूटे हुए हैं, स्कबर जो है टूटे हुए हैं, नालियाँ नहीं कटी हुई हैं, डामरीकरण के उस पर जो है सोलिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो इससे जो है लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उस आक्रोश के कारण ही लोगों ने यह निर्णय लिया है कि आगामी लोकसभा से पूर्ण यदि इसमें किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होती है तो सारी लगभग 15 ग्राम सभाएँ लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। मुख्य कारण यह है कि हमारे सारे क्षेत्र वाले यहाँ पे आए हैं तहसील में, क्योंकि हमारे क्षेत्र वालों को काफ़ी परेशानी होती है ये परखाल के रास्ते, तो कम से कम 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है और नलगांव से हमें मात्र 10 किलोमीटर में हम अपना रास्ता हमारा कम समय में हमारा रास्ता पूरा होता है और सारे क्षेत्र वालों को बहुत परेशानी होती है। फिर यहाँ पे बीसी दरबान सिंह के नाम पे जो रोड कटी है उसके सुध लेने के लिए प्रशासन आज तक कोई भी कदम नहीं उठा पाई है। तो कटे हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं। क्षेत्र की जनता इन 8 सालों से रोड के डामरीकरण के बारे में कह रही है, जो कि हमारे लिए कम से कम 10 किलोमीटर पड़ता है नलगांव से। क्षेत्र के जो हर साल शौर्य महोत्सव मनाया जाता है उसमें भी हमारे प्रतिनिधि लोग आते हैं, सभी से हर साल बात की जाती है, सभी आश्वासन देते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन खानाबदोश के लिए केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए 1-2 दिन के लिए JCB भेज दिया जाता है और उसके बाद यथावत स्थिति हो जाती है। किसी भी बीमार को लाने के लिए हम लोग अपनी जान हथेली पर डाल करके लोग वहाँ से लाते हैं और लगभग 45 किलोमीटर रेंज सोपता से होते हुए हमें आना पड़ता है। बार बार हम चाहे वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कोई भी हो, उनसे कहते आए हैं कि भाई इस रोड के बारे में जल्दी कुछ ना कुछ करो, डामरीकरण करो इसका। पिछले 1 महीने पहले हमने माननीय विधायक जी को भी दिया था, लेकिन उस पर उन्होंने भी कोई भी अमल नहीं किया। देखते हो हमारे क्षेत्र के लगभग 15 ग्राम सभा के लोगों ने निर्णय लिया है कि यदि इसका डामरीकरण ना किया जाए, नहीं करते हैं तो हम चुनावों का आगामी जो भी चुनाव होंगे उनका बहिष्कार करेंगे। हमने काफ़ी पहले से मैंने 2015 से लगातार मांग कर रहे हैं कि इसका सुधारीकरण हो, इसमें मलमा हटाया जाए,
इसका डामरीकरण किया जाए, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से हमने कई बार इनको मौखिक रूप से लिखा है, बताया, लिखित रूप से भी हमने इनको भेजा है, लेकिन आज तक इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई इस पर नहीं हो पाई है, जिस कारण हमें ये कदम उठाना पड़ा सारी क्षेत्र की जनता में। ये भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस स्वर्गीय श्री धनवान सिंह नेगी के नाम से इस रोड का स्वीकृति मिली थी, इसको बनाया गया था और मात्र नारगांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर फर्जी गांव, इसकी मात्र 10 किलोमीटर दूरी है, जबकि नारायणबगढ़ प्रखाल होते हुए रेहसुट्टा होते हुए इसका 45 किलोमीटर इसकी दूरी है, तो ये बहुत शॉर्ट रोड है जिसको हम कहते हैं, और इसका बनाने का मकसद ये था कि भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस धनवान सिंह नेगी के नाम से बनाया गया था, तो इसकी कोई सुध लेने वाला आज की डेट में कोई सुध लेने वाला नहीं है, चाहे शासन हो प्रशासन हो चाहे हमारे विभाग हो, तो कोई भी इसकी सुध नहीं ले रहा है कि इसको कैसे बनाया जाए या क्या इसमें बहुत कमियाँ हैं इसमें। पहले भी मैं आपसे बता चुका हूँ कि मैंने 2015 से लगातार, अभी तक 2024 चल रहा है, लगातार हम इस सड़क को ठीक करने की मांग उठाते रहे हैं, चाहे सौर्य महोत्सव हो। सौर्य महोत्सव 3-4 दिन का होता है, उसमें बड़ी मुश्किल से 1-2 दिन के लिए जैसे भी भेज दिया जाती है वो खाना पूर्ति करने के लिए, उसके बाद जब मेला समाप्त हुआ उसके बाद उसकी सुध लेने वाला कोई है ही नहीं। अधिकारी हिम माध्यम से शासन को भेज देंगे कि जो पब्लिक ने ज्ञापन दिया है कि इसमें जो है वो रोड का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, और अगर ये शुद्धिकरण नहीं होगा तो ये लोग जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ज्ञापन बनाकर पूजा जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुनेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।